नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पीएचजे इन्फोलॉग्स। और पीएचजे इन्फोलॉग्स में मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रसाद वापस एक बार सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 के बारे में, जिसे कि आप होंडा हॉर्नेट 2.0 भी कह सकते हैं। तो होंडा ने ये होंडा हॉर्नेट का नया अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है, लेकिन इस अपग्रेडेड वर्जन में होंडा से क्या क्या कॉन्स रह गए हैं या क्या क्या कमियां रह गई है कंपेयर टू करंट मार्केट जो है, करंट मार्केट में जो बाइक्स लॉन्च हो रही है नए नए फीचर्स के साथ, तो कौन से फीचर्स इसमें होंडा दे सकता था, तो वो फीचर्स हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारी बाइक में देखा है कि उसमें ड्यूल चैनल ABS रहता है, लिक्विड कूलिंग रहता है, तो इस वीडियो में मैं आपको 7 से 8 ऐसे फीचर्स बताऊंगा कि होंडा अपनी बाइक में दे सकता था। ये तो मैंने अभी आपको खाली 2 ही बताए, तो पहले 4 मैं आपको मेन फीचर बताऊंगा। उसमें से मैंने आपको 2 बता दिए, लेकिन वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये बाइक में 4 मेन फीचर तो रहने चाहिए। क्योंकि आप अगर नया बाइक ले रहे हो, अगर आप लॉन्ग टूरिंग पे जा रहे हो, या आपको मतलब अर्जेंट कहीं पे ब्रेकिंग करना है, फास्ट कंडीशन में आप अगर अभी ब्रेक दबाते हो तो आपको ब्रेकिंग ये अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। तो नहीं, होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS दिया गया है, तो ये एक फीचर हो गया। सेकेंड फीचर है दोस्तों इसका लिक्विड कूलिंग। अगर आप देखोगे तो होंडा हॉर्नेट 2.0 में लिक्विड कूलिंग नहीं दिया गया है, ये सिर्फ एयर कूल्ड बाइक है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकेंड कॉन। और आपको थर्ड कौन रहेगा इसमें कि इसमें मोबाइल नेविगेशन नहीं दिया है और मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं दिया है, जो कि काफी सारी बाइक्स में आ चुका है। अगर आप देखोगे हीरो का एक्सपल्स 200, तो उसमें आपको मोबाइल नेविगेशन मिलेगा, ठीक है। अगर मोबाइल कनेक्टिविटी और मोबाइल नेविगेशन आप अगर लॉन्ग टूर पे जाते हो तो ये आपको काफी यूजफुल रहता है। आपके जो सारे मैसेजेस है, आपके जो कॉल्स है, आपके मोबाइल का रूट नेविगेशन है, वो आपको सारे आपके बाइक के डिस्प्ले पे दिखाई देता है। तो आपको और एक में सबसे मेन फीचर बताऊंगा कि जो होंडा हॉर्नेट के पुराने वर्जन में था, जो कि मेरे पास अभी बाइक है, वो इन्होंने मिस कर दिया है। वो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है दोस्तों कि किक स्टार्ट। होंडा हॉर्नेट ओल्ड वर्जन में किक स्टार्ट था और नए होंडा हॉर्नेट 2.0 में किक स्टार्ट नहीं है। ये इसके सबसे 4 बड़े कॉन्स है। तो ये अगर फीचर इस बाइक में ये लोग दे देते, क्योंकि इसका प्राइस है 1,54,000 तक जा रहा है, तो 1,54,000 तक इसका प्राइस जा रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में इसमें ABS नहीं मिल रहा है, ड्यूल चैनल और लिक्विड कूलिंग नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे दोस्तों, तो मैं अभी ये 2 फीचर्स कंपेयर करूंगा यामा YZF R15, जो कि यामा R15 का वर्जन 3 है, BS6। तो भले इनका सिटिंग पोस्चर मैच नहीं हो रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें आपको यामा R15 वर्जन 3 में मिलता है लिक्विड कूलिंग और ड्यूल चैनल ABS, और इसकी प्राइस भी तकरीबन कुछ 1,70,000 के आसपास है। तो आपको 35,000 आगे पीछे करके यामा आपको इसमें ड्यूल चैनल ABS दे रहा है, लिक्विड कूलिंग दे रहा है, जो कि काफी प्रीमियम बाइक के फीचर्स है। बाकी नेविगेशन वगैरह है, वो आप फीचर्स छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर आपका थोड़ा सा बजट ज्यादा है, आप होंडा हॉर्नेट की प्राइस देखोगे तो 1,54,000 है ऑन रोड प्राइस, इंश्योरेंस और RTO पकड़ के इसका प्राइस आएगा 1,54,000 तक। तो 1,54,000 या 1,60,000, जो भी अप्रोक्सीमेट इसका प्राइस है, इस प्राइस रेंज के थोड़े से 30-40,000 आगे पीछे हम लोग बाइक्स देखेंगे। इसमें लिक्विड कूलिंग भी आता है और ड्यूल चैनल ABS भी आता है। तो सबसे पहला बाइक था, मैंने आपको बताया, यामा R15 वर्जन 3 KTM ड्यूक 200 ABS, जो कि 200cc का ही बाइक है, लेकिन इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिल रहा है। हाँ, जबकि प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन आपको इसमें लिक्विड कूलिंग भी मिल रहा है 200cc में, और आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिल रहा है। नेक्स्ट बाइक देखेंगे TVS अपाचे RTR 200 4V, इसमें भी आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है और लिक्विड कूलिंग भी मिलता है। और तो और आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको सीसी ज़्यादा बड़ा हुआ मिलेगा बजाज डोमिनर 250 में, और इसमें भी आपको थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन आपको इसमें ड्यूल चैनल ABS मिलेगा और लिक्विड कूलिंग मिलेगा। तो ये बाइक में थोड़ा सा मैं ज़्यादा सीसी वाली बाइक के साथ इसके लिए कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि होंडा ने इसको 150cc के सेगमेंट में नहीं रखा है, इसको 200cc के आसपास लेके गया होंडा। तो दोस्तों इस तरह से ये बाइक हम लोग 250cc से लेके 150cc के बीच के बाइक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके पहले 4 मैंने आपको कॉन्स बता दिए, पर अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे के दूसरे कॉन्स के तरफ, जो कि ओल्ड हॉर्नेट में था कि काफी सारे यूजर्स को नियॉन कलर्स पसंद थे। ओल्ड हॉर्नेट आप देखोगे तो नियॉन ग्रीन और नियॉन ऑरेंज कलर में काफी फेमस था, तो नए हॉर्नेट में आपको ये कलर्स नहीं मिलते, उसमें आपको सिर्फ 4 कलर मिलते हैं, जो कि है मैट एक्सिस ग्रे, सेकेंड कलर है मैट स्पोर्ट्स रेड, थर्ड कलर है इग्निशियस ब्लैक, और फोर्थ कलर है मार्वेल ब्लू। तो इस तरह इसमें नियॉन कलर्स का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है, जहां तक अभी लॉन्च होने वाला है उसमें। अगर आप इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखोगे दोस्तों,
तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक है और ओल्ड हॉर्नेट का भी फ्यूल टैंक कैपेसिटी था 12 लीटर। तो ये इसका और एक कॉन है। तो आप पूछोगे कि कॉन कैसे हो गया, क्योंकि इसका अभी सीसी बढ़ गया है, इसका अभी सीसी बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्यूल टैंक भी इन्होंने ज्यादा देना चाहिए था, 2 लीटर से एटलीस्ट, या थोड़ा सा 1.5 लीटर से ज्यादा देना चाहिए था, क्योंकि सिटी में आपको ओल्ड हॉर्नेट देता है 40 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे देता है 45 किलोमीटर पर लीटर, और नया हॉर्नेट आपको 184.40 सीसी के हिसाब से 12 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ सिटी में आपको देगा तकरीबन 35 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे देगा आपको 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। तो दोस्तों इस तरह से माइलेज के हिसाब से मतलब जो फ्यूल इसका कंजम्पशन है उस हिसाब से थोड़ा सा टैंक ज्यादा देना चाहिए था, तो ये इसका कॉन हो गया है। और अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन की तरफ। दोस्तों इसका जो सिटिंग पोस्चर है, तो ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, सब कुछ ठीक है, तो ये बाइक जो है कम्यूटर राइडिंग के लिए है, तो ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक मतलब पिलियन को थोड़ा सा तकलीफ देती है, मतलब इसकी तरह और भी जो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है दोस्तों, जो कि KTM ड्यूक 200 है और बजाज डोमिनर 250 मैंने बताया, तो सबका जो पिलियन सीट है वो थोड़ा सा स्लिपी है, और आप कम्यूटर राइडिंग के लिए जो मेन राइडर है उसके लिए सीट इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, तो लॉन्ग ड्राइव के लिए पिलियन को थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, तो उसकी वजह से ये एक मैं नेगेटिव पॉइंट इसमें ऐड करूंगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इसके कॉन्स इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको इसमें कुछ कमी लग रही है और आपको कुछ क्वेश्चंस है, तो आप मुझे मतलब वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इस तरह मैं इस बाइक के प्रोज भी डालने वाला हूँ, या होंडा बाइक यूजर्स के जो भी होंडा टू व्हीलर इंडिया को लेके क्वेश्चंस है और आंसर्स है, वो भी मैं आपको एक नया वीडियो बना के बताऊंगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही नई नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ जुड़ते रहता हूँ, जो कि मोबाइल रिलेटेड, बाइक रिलेटेड, प्रोडक्ट रिव्यू रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।